मेरा जय भीम, मुझे बहुत खुशी है आप लोगों के बीच में। मैं पहली बार दुबई आया हूं और आप लोगों ने बहुत प्यार से मुझे बुलाया है, इसके लिए मैं बहुत आपका आभारी हूं। ख़ास तौर पे हमारे जो काशी सर हैं वो आज शायद नहीं है यहां पर, उनके बारे में और आप लोगों के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, एम के बारे में भी बहुत कुछ सुना है। कामले सर, राजू कामले सर से मेरी मुलाकात नहीं है, लेकिन काफ़ी समय से हमारा परिचय रहा है और आप लोगों का काफ़ी सहयोग भी रहा है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं। आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में, जैसा आपने देखा कि मेरा पूरा जो काम है वो भारत में जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो छात्र हैं, उनको हम कैसे अच्छी शिक्षा दें और कैसे उनको हम अपने जो अंबेडकरवादी जो मूवमेंट है उससे कैसे जोड़ें, इस पर काफ़ी समय से हम लोग काम कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं, जैसा कि सर ने परिचय में बताया, मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और एक ऐसी फैमिली से आता हूं जहां पे बाबा साहब का बहुत ज़्यादा नाम नहीं लिया जाता था। तो मैं एक ऐसी बैकग्राउंड से हूं और एक ऐसी कास्ट से हूं जो अम्बेडकराइट नहीं है। हालांकि हम लोग शेड्यूल कास्ट में आते हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे कास्ट में इतना बाबा साहब का इतना बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है बाबा साहब से लोगों का, ये हम लोगों का दुर्भाग्य है। तो मैं अपनी फैमिली का पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जो जिन्होंने बाबा साहब को जाना और इस मूवमेंट में काम कर रहा हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य है, बहुत अच्छी बात है कि मैं आप लोगों के बीच में हूँ और मैं थोड़ा सा आपको अपने काम के बारे में बताकर फिर मैं आगे बोलना चाहूँगा। मैं पिछले 4 साल से महाराष्ट्र में रह रहा हूँ और महाराष्ट्र में आने का एक पर्पज़ था मेरा कि मैंने आपको बताया कि मेरी फैमिली जो है, मेरे फैमिली बैकग्राउंड बहुत कट्टर हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ और बाबा साहब का जब हम लोगों ने पढ़ना चालू किया, जब मैंने पढ़ना चालू किया तो बाबा साहब का बहुत इम्पॉर्टेंट जो एक मैसेज था कि हमें हिंदू धर्म छोड़ना है और हिंदू धर्म छोड़कर हमें एक नया रास्ता, बुद्ध का रास्ता अपनाना है। तो मुझे बाबा साहब को पढ़ने के बाद बुद्धिज़्म को लेकर काफ़ी उत्साह था मन में और मैं जानना चाहता था कि बुद्धिस्ट होने का मतलब क्या होता है या बुद्धिस्ट कल्चर के बारे में बहुत जानने की इच्छा थी। तो मेरे कुछ दोस्त थे महाराष्ट्र के, तो जब उन्होंने मुझे बुलाया कि वर्धा आ जाइए आप और यहाँ पर हमारे बच्चों को थोड़ा सा गाइडेंस दीजिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि मेरे वर्धा में आने के 2 कारण थे। एक तो सबसे पहला कि मुझे महाराष्ट्र देखना था क्योंकि महाराष्ट्र ही हमारे लिए जो एक पावन भूमि है, बाबा साहब की जो बाबा साहब का जन्म स्थल है और कर्म स्थल भी है, तो मेरे लिए महाराष्ट्र में कुछ समय बिताना मतलब एक तरीके से मेरा एक कंपलसरी था। मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ साल बाबा साहब के जहाँ पे बाबा साहब का काम है, जहाँ पर बाबा साहब ने जन्म लिया है, वहाँ पे कुछ समय तो रहना है। और दूसरा मेरा उद्देश्य वर्धा आने का था कि मैं बुद्धिस्ट कल्चर को, बुद्धिस्ट जो बौद्ध कल्चर है उसको बहुत अच्छे से समझना चाहता था, देखना चाहता था और मैं ये भी जानना चाहता था कि बाबा साहब ने बुद्धिज़्म क्यों अपनाया, उसके पीछे क्या कारण थे और पूरा कल्चर। तो 4 साल से मैं वर्धा में हूँ और बुद्धिस्ट कम्युनिटी जो है लोकल, जो बाबा साहब की कम्युनिटी है, उनके साथ रहता हूँ, उनके बीच में रहता हूँ और मुझे बहुत खुशी है ये बताने में कि मेरे जो 4 साल हैं पिछले, ये मेरे लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे खुशी वाले पल हैं। जब मैंने जाना कि बाबा साहब का जो सपना था एक बौद्धमय भारत बनाने का, उसका एक छोटा रूप मैंने वर्धा में देखा कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी जो है वहाँ की, वो किस तरीके से एजुकेशन में, कल्चर में किस तरीके से इतनी मेहनत के साथ विहार बनाती है, विहार के साथ लाइब्रेरीज क्रिएट करती है, बच्चों का पढ़ने का एक माहौल बनाती है जो कि हमारे नॉर्थ इंडिया में अभी इतना नहीं हुआ है।
तो ये दूसरा पर्पस था। और तीसरा जो जिसके बारे में मैं आज से बात आपसे बात करूंगा वो था कि जो हमारा हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप में से अधिकतर लोगों प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ पर आप लोगों ने टेक्निकल एजुकेशन ली होगी, डॉक्टर्स भी हैं आप, इंजीनियर्स भी हैं, आर्किटेक्ट भी हैं, आप सबका एक कॉमन एक्सपीरियंस रहा होगा गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने का, कि आप देखेंगे कि जब आप जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में या गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाते हैं तो हमारे साथ एक एक टैग लगा रहता है कि आप आरक्षण से आए हैं, आप कोटे से आए हैं, आप में मेरिट नहीं है, आप पढ़े लिखे, आपको नॉलेज तो है लेकिन आप उतने नॉलेजेबल नहीं हैं जितने कि नॉन रिजर्व कैटेगरी से लोग आते हैं। और आपके साथ जब तक आप डिग्री लेते हैं 3 साल 4 साल इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तो आपके गले में वो एक पट्टा जैसा बंधा रहता है कि आप कोटे से हैं और आप में मेरिट नहीं है, आप कम नंबर लेके आते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है। ये एक बहुत, और ये बात भले ही कोई बोले ना आपके मुंह पर, लेकिन ये आप खुद भी महसूस करते हैं बहुत सारे लोग, और जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस लो रहता है। एक तो ये बात हुई, दूसरी बात ये होती है कि जब हम इंजीनियर बन जाते हैं या डॉक्टर बन भी जाते हैं तो हम अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं जितना वो लोग करते हैं। कि हमारे बच्चे मैंने देखे हैं कि IITs और IIM MBAs किए हुए हैं, IIT से डिग्री है, लेकिन फिर भी उनका पब्लिक में कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात बैठा दी गई है कि आप IIT के लायक थे ही नहीं, आप इंजीनियर बनने के लायक, आप तो पहुँच गए, आपके कम नंबर हैं और आप तो बस रिजर्वेशन की वजह से पहुंच गए। तो ये जो फीलिंग है वो आप देखेंगे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स में रहता है, जिसकी वजह से फिर वो क्या होता है कि उनका कॉलेज में परफॉर्मेंस गिर जाता है। और साथ में आप देखेंगे कि वो उनका एक जो एक पॉजिटिव आइडेंटिटी होना चाहिए था, पॉजिटिव आइडेंटिटी की बजाय वो एक नेगेटिव उनका आइडेंटिटी फॉर्मेशन हो जाता है। और उसके दो नुकसान होते हैं, एक तो उनका पर्सनल होता है, उनका कॉन्फिडेंस पब्लिक में कम हो जाता है, और दूसरा नुकसान जो सबसे ज़्यादा बड़ा है कि उनका अपनी कम्युनिटी के प्रति भी लगाव कम हो जाता है, वो आइडेंटिटी छुपाते हैं, वो बाहर जो है वो आइडेंटिटी बताते नहीं हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि आप देखेंगे कि वो डिग्री लेने के बाद नौकरी करने पे भी उसके बाद भी वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर सामने नहीं आते। तो इससे आप देखेंगे कि हमारी कम्युनिटी को भी, हमारे समुदाय को भी बहुत नुकसान होता है। अब अगर आपको मैं एक डेटा बताऊं कि हमारे जो हम अगर आप पॉपुलेशन देखें तो हम 25-30 करोड़ हैं SC ST मिला के, और उसमें से 3% लोग भी ग्रेजुएट नहीं हैं हमारे, और जो 3% लोग जो ग्रेजुएट हैं उसमें भी अगर आप देखें तो अधिकांश आज भी अपनी आइडेंटिटी को लेकर इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो हमारा मूवमेंट है, मूवमेंट का जो इंटेलेक्चुअल लीडरशिप है, जो एक एक स्कॉलरली लीडरशिप होना चाहिए, वो आज भी हमारे पास नहीं है। आज भी हमारे मूवमेंट में आप देखेंगे कि एक इंटेलेक्चुअल लीडरशिप का अभाव है। हमारे जो साथी हैं, जो कामगार हैं, वो बहुत मूवमेंट में काम करते हैं, लेकिन हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जर्नलिस्ट्स हैं, ये इनका जो योगदान होना चाहिए, जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो बहुत कम है। और उसका जो रीज़न हम लोगों को समझ में आता है वो ये है कि ये जो आइडेंटिटी का फॉर्मेशन होता है कॉलेजेस में, स्कूल्स में, वो बहुत नेगेटिव होता है। हमारे हमको हमेशा ये जज किया जाता है कि आप आरक्षण लेके आए हैं, आप में काबिलियत नहीं है। तो काबिलियत होते हुए भी हम जो है वो मान लेते हैं कि हाँ हम भी आरक्षण से आए हैं, और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, और जिसकी वजह से हम डिग्री तो ले लेते हैं लेकिन बहुत कुछ अपना गंवा देते हैं, वो कॉन्फिडेंस, वो जो मेरिट का जो, और वो जो सक्सेस का जो आपको जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो लूज कर जाते हैं। तो ये जो बातें मैं आपको बताना चाह रहा था वो इस पर्पस से कि यहाँ पर आप देखेंगे कि आप में से
जितने भी स्टूडेंट लाइफ में देखें, अगर आप महाराष्ट्र को हटा दें, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल अलग कर दें, तो बाकी किसी भी स्टेट में हमारा स्टूडेंट मूवमेंट का जैसा कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स का कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारे स्टूडेंट्स के कोई भी ऐसा बाबा साहब के विचार उन तक पहुँचे या उनका कोई मूवमेंट में ट्रेनिंग हो, ऐसा भी कोई हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बच्चे अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पहुँच तो जाते हैं, लेकिन उनको मूवमेंट के बारे में या बाबा साहब के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। और जिसका और उसका रिजल्ट क्या होता है कि जब आपको आपके मूवमेंट का इतिहास नहीं पता होता है तो आपको कभी भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि जो बाहर की कम्युनिटी है वो आपको सिर्फ एक ही नज़र से देखती है। जैसा मैंने आपको बताया कि उनका देखने का नज़रिया आपके प्रति एक है कि आप में मेरिट नहीं है, आप सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर की वजह से आरक्षण लेके चले आए और आप डॉक्टर बनने के काबिल नहीं थे, ना आप इंजीनियर बनने के काबिल थे। और वो आपको तरह तरह से बताएंगे, जता देते हैं। कुछ लोग डायरेक्टली मुंह पे बोल देंगे, बहुत सारे लोग डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास करा दिया जाता है। तो ये जो नेगेटिव जो आइडेंटिटी फॉर्म होती है उसका एक ही तरीका है, उपचार है, और वो है अंबेडकरिज्म। जब तक आप बाबा साहब को नहीं जानेंगे, बाबा साहब के संघर्ष को नहीं जानेंगे, तब तक आपका पॉजिटिव एक आइडेंटिटी क्रिएट नहीं होता है। तो इसी को लेकर हम लोग पिछले 20 साल से हम लोग स्टूडेंट्स में काम कर रहे हैं, और हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, और ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो छोटे शहरों से आते हैं, गांव से आते हैं, जैसे आपने देखा होगा अभी कि हम लोगों ने एक लाइब्रेरी भी चालू की है, और हम लोग जगह जगह जाकर बच्चों को गाइड करते हैं, और ख़ास तौर पर उन बच्चों को गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि अंग्रेजी माध्यम से, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, जो मराठी भाषी हैं या मराठी लैंग्वेज में जिन्होंने स्कूलिंग किया है, या हिंदी मीडियम से हैं, या उड़िया मीडियम से हैं, या तमाम दूसरी रीजनल भाषाओं से हैं। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारी मूवमेंट की पहुँच ऐसे बच्चों तक पहुँचे, और जो हम लोगों ने, जैसे कि मैंने देश के सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, तो मेरा फ़र्ज बनता है कि जो भी ज्ञान मुझे मिला है वो ज्ञान मैं अपने उन लोगों तक पहुँचाऊँ जो पीछे रह गए हमसे, जो हमारे, देखिए अगर आप देखें बाबा साहब का जो रिजर्वेशन का जो कंसेप्ट था, रिजर्वेशन सबके लिए नहीं है, रिजर्वेशन का एक बहुत लिमिटेड रोल है। रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ आपको नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में है। सरकारी नौकरी टोटल मिलाकर भी 22 लाख से कम है इंडिया में, तो 22 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी नहीं है, और हमारी आबादी 25 करोड़ है। तो रिजर्वेशन अगर पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट भी हो जाता है तो भी वो सबके लिए नहीं है। तो बाबा साहब का जो सपना था रिजर्वेशन का, कि एक हमारा एक ऐसा क्लास तैयार हो जो आगे काम करे, जो लोग पीछे छूट गए हैं उनके लिए काम करे, और जो बाबा साहब का कंसेप्ट था, तो उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोग का कोशिश ये है कि हमारे जितने भी अच्छे पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं जो हायर एजुकेशन में हैं, वो कुछ समय निकाल कर इन छोटी जगहों पर, छोटे शहरों में या छोटे कस्बों में जाएं और हमारे बच्चों को गाइडेंस दें, हमारे बच्चों को बताएं कि JNU क्या चीज़ है, या टाटा इंस्टीट्यूट क्या चीज़ है, या दूसरी तमाम जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में बताएं, और ताकि हमारे स्टूडेंट्स को ये लगे कि मूवमेंट या जो बाबा साहब का मूवमेंट है ये उनके लिए भी है। देखिए हम सभी ह्यूमन बीइंग हैं, मनुष्य हैं, और हम लोग कहीं ना कहीं थोड़े सेल्फिश भी होते हैं। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था और मेरे साथ बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, मैं आपको अभी बताऊंगा कि 90s में इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या क्या होता था। और 3 साल मैंने उसके लिए लड़ाई की वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज, और बहुत कोशिश की कि कोई ऐसा संगठन मिल जाए जो हमारी बात सुने, हमारी परेशानियाँ सुने। और आपको मतलब सरप्राइजिंग
शायद ना लगे या लगे मुझे नहीं मालूम, एक भी संगठन नहीं मिला मुझे 3 साल, 95, 96, 97, 98, 3 साल मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में रहा और एक भी ऐसा संगठन नहीं था जो हमारी प्रॉब्लम्स को सुन सके, प्रॉब्लम्स को समझ सके। क्योंकि होता क्या है कि अब जैसे कि मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो मैं सेकंड जनरेशन लिटरेट हूं, यानी कि मेरी दूसरी पीढ़ी है जो शिक्षा ले रही है। मेरे फादर वकील थे तो पहली जनरेशन भी, पापा की जनरेशन भी पढ़ी हुई है, ये दूसरी पीढ़ी थी। तो पहली पीढ़ी को ये लगता है कि कास्ट जो है वो सिर्फ गांव में है, कस्बों में है, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में जाति का प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ऐसा हमारा बहुत सारे लोगों का मानना है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं जाति की प्रॉब्लम कम होती जाती है। और हम लोगों का लालन पालन ऐसे ही होता है कि ठीक है यहाँ पे प्रॉब्लम है लेकिन दिल्ली में नहीं है या बॉम्बे में नहीं होगा, जहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि जितना हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारी फैमिलीज में हम कास्ट पर बात करना बंद करते जाते हैं। जैसे कि अगर मैं अपना बचपन बताऊं तो मेरे बचपन में मुझे मेरी कास्ट पता थी, मुझे ये भी पता था कि कास्ट सिस्टम कैसे काम करता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था, मेरे पेरेंट्स ने ये भी नहीं बताया था कि कैसे ये कास्ट सिस्टम जो है वो एजुकेशन में भी काम करता है। तो जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज करने के लिए पहुंचा तो मेरे पास अपने बचाव के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे हमारे घरों में कास्ट पर बात ही नहीं होती, हमारे घरों में कास्ट पर, कास्ट को छुपाते हैं कि बात मत करो, चुप रहो। लेकिन आपको पेरेंट्स को ये नहीं समझ में आता है कि आप मुझे यहाँ पे तो बचा सकते हैं अपने घरों में, लेकिन जब मैं हॉस्टल में रहूँगा, जब मैं कॉलेज जाऊँगा, तब आप वहाँ पे कैसे बचाओगे मुझे। और इसके विपरीत अगर आप देखें अपर कास्ट घरों में छोटे बच्चों को भी उनके कास्ट के बारे में पता होता है, और उनको न केवल अपनी कास्ट के बारे में पता होता है बल्कि उनको गर्व भी कराया जाता है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं राजपूत हूँ। और उनके आप छोटे छोटे बच्चों, 4 साल का बच्चा 5 साल का बच्चा, उसको अपनी जाति का पता है और उसको ये भी पता है कि उसकी जाति में क्या अच्छा है, मैं राजपूत हूँ, मैं बहुत वीर हूँ। तो अब उनके बच्चे और हमारे बच्चों में आप देखिए बचपन से ही हमारा ट्रेनिंग अलग होता है, हमारे यहाँ जाति छुपाई जाती है। तो जब आप किसी चीज को छुपाते हैं तो आप अपने बच्चे में शर्म पैदा करते हैं, शेम, शर्म, क्योंकि बच्चे को पता है कि माँ और बाप अगर ये छुपा रहे हैं तो जरूर कोई शर्म की बात होगी। तो हमारे बच्चों में शर्म डाली जाती है, उनके बच्चों में गर्व डाला जाता है, घमंड, गरूर। तो अब ये दोनों ही बच्चे जब तक स्कूल में है तब तक तो कोई टेंशन नहीं है, जहां 9वीं 10वीं में पहुंचते हैं, 9th 10th में, तुम्हारी कास्ट क्या है, पहला क्वेश्चन, मैं तो तिवारी हूं, मैं तो त्रिवेदी हूं, मैं तो ब्राह्मण हूं, तुम कौन हो, सीधे बोलते हैं वो। और तब हमारे बच्चों को पहली बार शौक लगता है कि हाँ हम कौन है, फिर वो पूछता है अपने माँ बाप से कि हम कौन है, तो माँ बाप को आंसर देना नहीं बनता है क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं उस पर, आपको लगा कि ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, आपको लगा कि एजुकेशन के साथ साथ ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब आप बताइए 9th और 10th में अपने बच्चे को आप क्या बताएंगे, आप किस कास्ट से हैं, क्योंकि उसकी क्लास में जो लोग हैं अपर कास्ट वो तो बड़े गर्व से बताते हैं। अब प्रॉब्लम आती है कि आपके पास गर्व करने के लिए क्या है, आपकी कास्ट के पास आप अपने बच्चों को एक पॉजिटिव आइडेंटिटी कैसे देंगे। उनके पास उनकी हिस्ट्री है, अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ें तो आप देखेंगे वो पूरी तरीके से अपर कास्ट हिस्ट्री है। हमारा तो कोई हीरो ही नहीं है हिस्ट्री में, बाबा साहब, अभी ये मॉडर्न हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, पुरानी एंशंट इंडिया, आप प्राचीन भारत देखिए। तो हम अपने बच्चों या उनके बच्चे सब उनकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उनके पास बहुत सारे हीरो हैं, राजपूत बोलेगा महाराणा प्रताप, ठीक है, और ब्राह्मण के जवाहरलाल नेहरू से लेके पूरे उनके हीरोज हैं। अब अगर आपकी फैमिली अम्बेडकराइट नहीं है तो आपके पास आपके बच्चों को देने के लिए कुछ भी पॉजिटिव हिस्ट्री नहीं है,
और आपका जो कॉन्फिडेंस है, आइडेंटिटी है, वो आपकी हिस्ट्री से आता है, वो हिस्ट्री से आता है। अब यहाँ पर अगर आप अपने घरों में बाबा साहब को लेकर नहीं बता रहे हैं या आप कास्ट को लेकर नहीं बता रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को कमजोर कर रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मूवमेंट में बच्चों को भेजिए, आपके सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूं कि आप बेसिकली आप अपने ही बच्चों को कमजोर कर रहे हैं अगर हम अपने मूवमेंट की हिस्ट्री और नहीं बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपके बच्चों से पूछा जाएगा कि आपकी आप कौन है, तब आपका बच्चा जो है, अब मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 90s और 2000 में जो यूपी का और नॉर्थ इंडिया का जो माहौल है उसकी बारे में बात कर रहा हूँ, और ख़ास तौर पे ऐसे परिवारों की बात कर रहा हूँ जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं। अब अगर आप पॉजिटिव आइडेंटिटी नहीं देते हैं तो आपके बच्चों के आइडेंटिटी क्राइसिस चालू हो जाएगा। 10th 11th तक आते आते उसको समझ में आ जाएगा कुछ तो गड़बड़ है मेरे साथ, मेरे माँ बाप इस पर बात नहीं करते, बताते नहीं हैं, और कुछ तो गड़बड़ है, और वहीं से उसका कॉन्फिडेंस टूटना चालू होता है। फिर जैसे ही 11th 12th में आता है, हर तरफ इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम, इसके बारे में बातचीत चालू हो जाती है। और जैसे ही कैरियर की बात चालू होती है, सेकेंड क्वेश्चन रिजर्वेशन। अब आप चाहे आरक्षण का फायदा लें या ना लें, आपके बच्चे के ये टैग हमेशा रहेगा रिजर्वेशन को लेकर। ठीक है, मैं कोई नौकरी नहीं करता, फुल टाइम काम करता हूं, लेकिन ये टैग मेरे ऊपर भी रहे, ये आपकी आइडेंटिटी का अभिन्न हिस्सा बन चुका है कि भाई ये आरक्षण वाले लोग हैं। आप भले ही लें या ना लें रिजर्वेशन, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, आप देखेंगे टीवी में, न्यूज़पेपर्स में, और आरक्षण को लेके जब भी कोई पब्लिक डिबेट होता है, टीवी पे देखिए या न्यूज़पेपर में, तो वन साइडेड डिबेट होता है, आपको हमारा पक्ष सुनने को ही नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन इज इक्वल टू मेरिट इज इक्वल टू एफिशिएंसी। रिजर्वेशन मेरिट को ख़त्म करता है, मेरिट एफिशिएंसी को ख़त्म करता है, यानी कि आप किसी काबिल नहीं हैं। अब आरक्षण लेने वाले बहुत कम लोग हैं हमारे में, लेकिन हमारा पूरा समाज का आइडेंटिटी बन गया है कि ये लोग पैरासाइट हैं। पैरासाइट मतलब दूसरों पर निर्भर रहते हैं, खुद की मेहनत से आगे नहीं आए हैं। अब अगर आप देखें कोई भी डिबेट टीवी पे देख लीजिए, सीधे वो बोलते हैं कि भाई इनका तो 0 नंबर पर सिलेक्शन हो जाता है, इनका तो 30% पे सिलेक्शन हो जाता है, हमारे तो 90% पर भी सिलेक्शन नहीं होता। अब ये सब जो बातें हैं, जब हम सुनते हैं, हमारे बच्चे सुनते हैं, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। आपको लगता है शायद कि इम्पैक्ट नहीं पड़ता होगा, लेकिन आपके बच्चों पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि जब उनको टीवी पे या रेडियो पे या न्यूज़पेपर में वो सुनते हैं कि इनका तो 0 पे सिलेक्शन हो जाता, इनका तो इस पे सिलेक्शन हो जाता, और वहीं से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा जो भतीजा है, मतलब मेरे भाई का बेटा, अभी लॉ स्कूल में है, LLB कर रहा है, इंडिया का टॉप मोस्ट लॉ स्कूल है और लखनऊ के सबसे अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा है। जब उसका सिलेक्शन हुआ लॉ स्कूल में, तो उसको कोई बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हुई, और उसने अपनी माँ से, यानी कि मेरी भाभी से पूछा कि ये जो मेरा सिलेक्शन हुआ है वो रिजर्वेशन की वजह से हुआ है, और इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे खुशी नहीं हो रही है, मुझे लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन जो है वो, मैं इस योग्य नहीं हूँ, इस मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है। तो आप देखिए कि एक ऐसा बच्चा जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा है, टॉप मोस्ट पढ़ा है और बहुत अच्छा एक एग्ज़ाम निकाला है उसने, अब जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो अंतर है वो सिर्फ 2-3 नंबर का होता है,
पांच नंबर का होता है. अगर अपर कास्ट का मेरिट 85 गया है तो हमारा मेरिट 82 जाता है, 83 जाता है. अब वो सिस्टम अब वो नहीं है जो वो बोलते हैं कि इनका सिलेक्शन जीरो नंबर पे हो जाता है या 30. हमारे बच्चे उतने ही कॉम्पिटेंट हैं और दो तीन नंबर का अंतर रहता है बस, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता है. हमारे बच्चे भी अभी 80s और 90s लेके आते हैं. लेकिन वो जो छोटा सा अंतर है, अब सोचिए कि वो दो तीन नंबर का अंतर है, वो दिमाग पर कितना इम्पैक्ट डालता है. उसको लगता है कि मैं तो इस काबिल नहीं था. अब जैसे कि मेरी अपनी फैमिली है, उनके पास कोई जवाब नहीं है इसका, कैसे समझाएं. क्योंकि आपने कभी मूवमेंट के बारे में या इस टाइप से कभी अपने घर में बात नहीं की, तो अब वो बच्चे के मन में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके पास उनका कोई जवाब नहीं है कि ये रिजर्वेशन क्यों दिया गया. रिजर्वेशन कोई चैरिटी नहीं है, कोई भीख में नहीं मिला है. और ये आप देखेंगे कि वो हमेशा बोलते हैं कि आरक्षण जो है वो बैसाखी है. अपर कास्ट हमेशा आपसे बोलेगा कि ये तो बैसाखी है. बैसाखी नहीं है, ये आपका, ये हमारा अधिकार है और हमारे महापुरुषों ने इसको लड़कर लिया है, भीख में नहीं लिया है. हमारे लीडर्स ने, बाबा साहब ने इस पर लड़ाई की है, लड़े हैं वो, तब ये अधिकार मिला है. ये हमको भारत सरकार ने या सवर्णों ने भीख में नहीं दिया. तो ये जो ये बताने वाला नहीं होता है, ठीक है. फिर दूसरा ये भी समझाने की हमारे नहीं होता है कि ये जो मेरिट का कंसेप्ट है, ये जो बात करते हैं ना वो लोग कि मेरिट मेरिट मेरिट, ये कितना फर्जी कंसेप्ट है, मिथ है. मेरिट जैसा कुछ नहीं होता. मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करूँगा. मैं पिछले 4 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और बच्चों को मैं अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराता हूँ. अब आप देखेंगे कि हमारे देश में एक कॉमन स्कूल सिस्टम नहीं है. हमारे हर राज्य का अलग अलग सिस्टम है. अब अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो 3 सिस्टम है. मराठी मीडियम स्कूल है, एक सेमी इंग्लिश, हाफ मराठी हाफ इंग्लिश, और एक इंग्लिश मीडियम है. ये तो 3 हुए महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र बोर्ड के, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के. उसके बाद CBSE स्कूल्स अलग है, ICSE स्कूल्स अलग है. अब आप देखेंगे कि स्कूल्स का भी एक हायरार्की है, एक ग्रेडेड सिस्टम बना दिया है. जो सबसे गरीब है बच्चा, ज़्यादातर हमारे लोग, वो मराठी मीडियम गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं. थोड़ा सा अच्छे तो सेमी इंग्लिश, उससे अच्छे इंग्लिश, फिर CBSE ICSE. एक स्कूल सिस्टम नहीं है, कोई कॉमन सिलेबस भी नहीं है. लेकिन जब हमारे बच्चे 10th और 10+2 करके फिर जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हायर एजुकेशन सारी इंग्लिश में है. अगर आप JNU में एडमिशन लेना चाहें या टाटा इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहें या किसी भी अच्छे कॉलेजेस में लें हायर एजुकेशन, सारी की सारी इंग्लिश में है. इंजीनियरिंग इंग्लिश में है, मेडिकल के सारे कोर्सेज इंग्लिश में हैं. अब आप सोचिए कि मेरिट कैसे बनाई जाती है, कि अपर कास्ट के पास मेरिट है और इन लोगों के पास मेरिट नहीं है. मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस करके देश का एक बहुत नामी गिरामी कॉलेज है, बहुत पुराना है, आज़ादी के लगभग समय का है. टाटा वालों ने बनाया था लेकिन अभी ऑटोनोमस है और टॉप मोस्ट कॉलेजेस में है. और वो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कराता है. एंट्रेंस एग्ज़ाम जनवरी में होता है, फर्स्ट वीक में, और वो ऑनलाइन है. अभी पिछले 3-4 साल से कंप्यूटर पे होता है वो एग्ज़ाम. पहला एग्ज़ाम जो है वो उनका पहला लेवल एंट्रेंस, वो रिटन एग्ज़ाम होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स. उसमें आपको क्वालिफाई करना होता है. उसके बाद 2 महीने के बाद वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं. अब देखिए मेरिट कैसे कंस्ट्रक्ट होती है, कैसे बनती है. ये एग्ज़ाम सिर्फ इंग्लिश में होता है, यानी कि जो 100 क्वेश्चंस आएंगे वो सिर्फ अंग्रेजी में होंगे. आपको उसमें 4 पार्ट होगा, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, और उसके बाद इंग्लिश ग्रामर.
तो वो चार चीज पूछते हैं। अब आप देखिए कि इंग्लिश ग्रामर के 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं और 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स यानी कि जनरल नॉलेज के होते हैं और 20 क्वेश्चन इसके मैथ्स रीजनिंग करंट अफेयर्स और ग्रामर। ग्रामर का पोर्शन सबसे ज़्यादा होता है। अब मुझे ये बताइए कि जो मराठी मीडियम स्टूडेंट है वो या सेमी इंग्लिश जो स्टूडेंट है वो टाटा इंस्टीट्यूट के एंट्रेंस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई कर सकता है? अब आप देखिए, न केवल आप इंग्लिश में एग्ज़ाम ले रहे हैं, अब इंग्लिश में ही मैथ्स के क्वेश्चन हैं, इंग्लिश में ही रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, इंग्लिश ग्रामर भी है और इंग्लिश में जीके भी क्वेश्चन है। न केवल आप इंग्लिश में मैथ्स भी पूछ रहे हैं, रीजनिंग भी, बल्कि आप अलग से इंग्लिश ग्रामर और चेक कर रहे हैं, यानी कि 30 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर के और। इंग्लिश मीडियम पेपर तो है ही है, साथ में इंग्लिश ग्रामर भी। अब आप मुझे ये बताइए कि जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं उनको ऑलरेडी एडवांटेज मिल गया, उनको इंग्लिश ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, उनका इंग्लिश इतना अच्छा होता है। उसके बाद जो अगर मैं मराठी मीडियम हूँ या हिंदी मीडियम हूँ या उड़िया मीडियम हूँ, मैंने मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, रीजनिंग बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने मैथ्स मराठी में लगाया है या हिंदी में लगाया है, मैं इंग्लिश में वो मैथ्स या रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं लगा पाऊँगा। तो आप देखिए कि किस तरीके से हायर एजुकेशन में सब कुछ उन्होंने इंग्लिश में कर रखा है, हर चीज़ इंग्लिश, सारे एग्ज़ाम इंग्लिश में। और इंग्लिश का इतना एक हमारे यहाँ यूपी में वर्ड है, हवा बना देना, एक एक इतना 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 डर बैठा दिया गया है हमारे बच्चों में कि इंग्लिश के बिना कुछ ऐसा लगता है कि अगर आपने इंग्लिश मीडियम नहीं है या इंग्लिश नहीं आती है तो आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, आप में दिमाग नहीं है। अब ये जो बच्चे हैं जो टिस का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, अब जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं बड़े शहरों के, उनका ऑटोमेटिकली उनके नंबर ज़्यादा आएंगे आपसे। हमारे जो गांव के बच्चे हैं, छोटे शहरों के बच्चे हैं, उनसे 100% नंबर ज़्यादा आएंगे। क्यों ज़्यादा आएंगे? क्योंकि पूरा का पूरा जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम बच्चों के हिसाब से बनाया गया है। तो अगर मैं आपसे इसको मैं बोलता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ, चलिए ऐसा करते हैं कि पैटर्न बदल देते हैं। अब ये एग्ज़ाम मराठी मीडियम में होगा, मान लेते हैं मराठी में मैथ्स पूछी जाएगी, मराठी में रीजनिंग होगी और मराठी ग्रामर पूछी जाएगी। अब आप देखेंगे कि मेरिट उल्टी हो जाएगी, इंग्लिश स्टूडेंट के बच्चों का मेरिट लो हो जाएगा। तो क्या हुआ, सिर्फ आपने लैंग्वेज चेंज कर दी और इंग्लिश मीडियम के बच्चे बेवकूफ़ हो गए क्या? नहीं, ये पूरा गेम मीडियम का है, पूरा गेम जो है वो इस ढंग से क्वेश्चन पेपर बनाने का है कि भारत का जो मेजॉरिटी है वो अलग पड़ जाए और वो बहुत आराम से आपको बोल सके कि आप में तो मेरिट नहीं है। मेरिट जो है वो इंटेलिजेंस से आती है, यहाँ पर आपका इंटेलिजेंस नहीं चेक हो रहा है, यहाँ पे आपका ये चेक हो रहा है कि आप कितने रिच बैकग्राउंड से हैं। आप जितने रिच हैं आप उतने अच्छे स्कूल से पढ़ेंगे और आप उतने अच्छे तरीके से एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल लेंगे। तो ये जो 10 नंबर 15 नंबर का गैप आता है हमारे और उनके बीच में, ये हमारे कम इंटेलिजेंट होने का मार्कर नहीं है, ये मार्कर है, अंतर है अपॉर्चुनिटी का, हमारे पास या हमारे बच्चों को वो मौके नहीं मिले। अब ये जो 10-15 नंबर का अंतर है या 5 नंबर का अंतर है उसको वो बनाए रखते हैं ये एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू, ताकि वो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा तोड़ते रहें, ताकि वो हमेशा आप पर उंगली उठाए कि आप तो इस काबिल थे ही नहीं। एंट्रेंस एग्ज़ाम में वो 5 नंबर या 4 नंबर या 10 नंबर वो ज़िंदगी भर आपके लिए एक स्टिग्मा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कलंक, वो बनकर रहता है। और हम लोग भी बहुत कुछ इंटरनलाइज कर लेते हैं, हम लोग भी मान लेते हैं कि हाँ प्रॉब्लम है हमारे अंदर, और आप ये नहीं देखते हैं कि ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है, ये सिस्टम की है। सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप हमेशा नॉन मेरिटोरियस रहेंगे, आप कभी मेरिटोरियस नहीं हो सकते,
क्योंकि वो क्या करते हैं, वो क्वेश्चन पेपर उसी हिसाब से बनाते हैं। अब मुझे एक, मैं एग्जांपल बार बार अपने बच्चों को देता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग जो कंपटीशन वगैरह की तैयारी किए होंगे, बहुत सारे लोगों ने बैंकिंग की भी तैयारी की होगी, आप मुझे बताइए, आपके परिवार में हो सकता है कुछ लोग बैंक में भी काम करते हों इंडिया में, एक बैंक क्लर्क को कितने इंग्लिश वर्ड्स की ज़रूरत है बैंक में काम करते हुए, पूरे बैंक में काम करते हुए इंडिया में बात कर रहा हूँ, इंडिया में कितने इंग्लिश वर्ड्स की ज़रूरत है, 100, 150, 200? रूटीन वर्क में इससे ज़्यादा, जो भी उनका बैंकिंग का रूटीन वर्क है, इससे ज़्यादा इंग्लिश की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आप अगर आप देखें बैंक क्लर्क का एग्ज़ाम इंग्लिश में, उसका इंग्लिश कंपलसरी होगा और बहुत हाई लेवल की इंग्लिश पूछी जाती है। आप देखेंगे जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, उन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि आप देखते ही आपका खुद का कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। जैसे कि मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ, जब गया वहाँ पे, तो मैं उनसे बोला कि आप ये सब की तैयारी क्यों नहीं करते, बैंकिंग की तैयारी क्यों नहीं करते या इस टाइप की, तो बोलते नहीं सर, इंग्लिश नहीं हो पाएगा। किसकी तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की, रेलवे में, क्यों, क्योंकि उसमें इंग्लिश नहीं आती है। तो आप देखें कि ये, मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये कि ये सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्सक्लूड करो और उनके अंदर एक हीन भावना डालो, एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डाल दीजिए कि आप ही इस लायक नहीं हैं, आप बैंक क्लर्क बनने के लायक नहीं हैं, आप आईएएस बनने के लायक नहीं हैं, आप डॉक्टर बनने के लायक नहीं हैं। और जो लोग पहुंच गए हैं वो आरक्षण से आए हैं और जिसका, जिसकी गाली और जिसका दंश उनको ज़िंदगी भर सहना पड़ता है। ये तो हुआ जो पूरा जो एक माहौल क्रिएट किया जाता है। दूसरा, डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन भी होता है हमारे छात्रों के साथ, सीधे सीधे डिस्क्रिमिनेशन होता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने रोहित वेमुला के बारे में सुना होगा, लेकिन रोहित वेमुला का जो केस है, उससे पहले 2009-10-11 में हम लोगों ने पूरे इंडिया में घूमा था और 22 केसेस ऐसे निकाले थे जिसमें हमारे स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था। सुसाइड, हमारे छात्रों का ये जो सुसाइड करने का है, ये नया नहीं है और मैं आपको बहुत सारा डेटा दे सकता हूँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम जो इसी से जुड़ी हुई है, जो मैंने आपको बताया, हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं लेकिन उनके मन में ये डाल दिया जाता है कि ये काबिल नहीं है, ये आ गए किसी तरीके से, उनके अंदर वो हीन भावना भर दी जाती है। और फिर जब उनके साथ डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, जब सीधे तौर पे भेदभाव होता है, तो वो बहुत बार फाइट नहीं कर पाते हैं, 1-2 साल फाइट करते हैं और उसमें से कुछ लोग फिर एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। तो और इसके बारे में हम लोग को हमेशा से, मुझे तो क्योंकि 20 साल हो गया मुझे काम करते हुए स्टूडेंट्स पर, हमेशा से हम लोग को पता था कि ये प्रॉब्लम है हर कॉलेज में, हर, और ख़ास तौर पे प्रोफेशनल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में ये प्रॉब्लम है। अब जैसे कि IITs में अगर आप देखें, तो अगर 10 सुसाइड्स हुई हैं तो 10 में से 6-7 शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स हैं, इतना बड़ा परसेंटेज। और अगर आप स्टूडेंट्स देखेंगे तो हम सिर्फ 10% हैं, 10% या 12%, लेकिन सुसाइड करने वाले स्टूडेंट्स में 60-70% हमारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो जब ये पता चला हम लोगों को, तो हम लोगों ने, अब अगर कोई स्टूडेंट सुसाइड करता है या कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो प्रूव करना बहुत मुश्किल है कि क्यों किया। या आप देखेंगे कि इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, लेकिन कैसे प्रूव करें कि होता है, ये बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट्स खुद ही इतने डर जाते हैं कि वो अपनी शिकायत को वापस ले लेते हैं, या वो भी ये सोचते हैं कि डिग्री लेके चलो ठीक है, जाने दो, डिग्री मिल जाए बस। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है कि फिर ये जो समस्या है भेदभाव की, ये बनी रहती है। और साथ में जो अपर कास्ट प्रोफेसर्स हैं, उनमें उनको एक एक इंग्लिश में बात होती है, एक कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी है उनके पास। कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी मतलब उनको ये लगता है कि हम कुछ भी कर लें, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हम अपने छात्रों के साथ कुछ भी, हमारे छात्रों के साथ वो सीधे
क्लास में सीधे मुंह पे बोलते हैं, अरे तुम तो कोटा से आए हो, तुम्हें क्या पता होगा, या तुम डॉक्टर बनने लायक नहीं हो, रिजर्वेशन से आ जाते हो, ऐसे क्लासरूम्स में डायरेक्ट। अगर आप सोचिए ये एक क्लासरूम हो, आप नए नए स्टूडेंट्स आए हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, और आप किसी कोई अच्छा सा एग्ज़ाम निकाल कर आए हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम, आपको एक सेंस ऑफ प्राउड होता है, प्राइड होता है कि हाँ मैंने मेहनत करके निकाला है, और पहले ही दिन मैं प्रोफेसर हूँ और बोल दूँ आपसे कि ये जो SC ST स्टूडेंट्स आए हैं भाई, ये कमज़ोर होते हैं, ये अच्छे से पढ़ाई करो नहीं तो निकाल देंगे हम तुमको, या कुछ और कमेंट कर देंगे, आप सोचिए कि आपके दिल पे क्या बीतेगी। आप पूरे क्लासरूम में बैठे हुए हैं और आप एक एक प्राइड्स के साथ आए हैं कि हाँ भाई मैंने IIT का एग्ज़ाम निकाला है या मेडिकल एंट्रेंस निकाला है, एक सेकंड में वो प्रोफेसर आपका पूरा पंक्चर कर देता है, आपको आपका ईगो हर्ट कर देता है। और उसके बाद इस क्लास में आप अकेले नहीं हैं, दूसरे स्टूडेंट्स भी हैं, दूसरे स्टूडेंट्स को भी मौका मिल जाता है वही सब बात कहने का, क्योंकि वो भी प्रोफेसर को से सीख रहा है ना, अच्छा प्रोफेसर ने इनको बोला तो हम भी ये बोलेंगे। तो ये जो पूरा नेगेटिव जो एनवायरनमेंट है उससे हमारे बच्चों का साइकोलॉजिकली बहुत प्रॉब्लम चालू होता है। अब अगर मान लीजिए एक पूरे क्लासरूम में कास्ट एक इशू है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है डील करने का? अब अगर मेरी फैमिली वालों ने मुझे अच्छे से पूरा मूवमेंट का हिस्ट्री और बाबा साहब का ये, तो मैं मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास हर बात का जवाब होगा। लेकिन अगर मैं उस बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ तो मेरे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो मैं बहुत एग्रेसिव हो जाऊँगा, मारपीट करने लगूंगा, क्योंकि मुझे और उसके अलावा पता नहीं है कि करना क्या है, ठीक है लड़ाई करूंगा, या फिर मैं अपने शेल में चला जाऊंगा कि सबसे बात करना छोड़ दूंगा, चुपचाप रहूंगा, अपने कमरे में बैठा रहूंगा, मेरी सोशल लाइफ एकदम जीरो हो जाएगी। और ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट सेकंड ऑप्शन चूज़ करते हैं। आप किसी भी अच्छे कॉलेजेस में चले जाइए, अभी तो थोड़ा चेंज आया है, मैं आज से 7-8 साल पहले की बात कर रहा हूँ, हमारे बच्चे हमेशा सेक्लूडेड कोने में क्लास में सबसे पीछे बैठेंगे, और जो कल्चरल फंक्शन होता है या कॉलेज का जो भी लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो वो तब तक वो क्या होता है कि उनका कॉन्फिडेंस बहुत कम हो चुका होता है और वो अपने शेल में चले गए हैं, वो बस यही सोचते हैं कि 3 साल निकल जाए किसी तरीके से, 4 साल डिग्री मिल जाए बस। उससे क्या होता है कि उनका पूरा कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है, पब्लिक में बिल्कुल भी उनको बात रखने का अपना वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। तो जब ये हम लोगों को पता चला, तो हम लोगों ने सोचा कि इस इशू को अगर हम पब्लिक में लेके आए कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हायर एजुकेशन में भी उतना ही गंदी तौर पे मौजूद है जितना कि गांव में है, कैसे लेके आए? क्योंकि क्लासरूम में या IITs में या इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर डायरेक्ट बहुत कम बोलते हैं, इनडायरेक्ट वे में वो आपको वाइवा में फेल कर देंगे, प्रैक्टिकल्स में फेल कर देंगे। तो अब ये सारे नंबर्स उनके हाथ में रहते हैं, तो हम कैसे प्रूव करें कि डिस्क्रिमिनेशन होता है? तो हम लोगों ने सोचा कि क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, सारे केसेस को एक साथ लेके आते हैं, तभी हम बता पाएंगे कि हमारे स्टूडेंट्स के साथ ये हो रहा है। और जब हम लोग डॉक्यूमेंटेशन कर रहे थे सारे केसेस, जो जो केसेस होते थे हम लोगों के, मैंने 4 साल दलित और आदिवासी स्टूडेंट एक हेल्पलाइन चलाई थी, एक नंबर ऑल ओवर इंडिया एक नंबर दिया था, मोबाइल नंबर, और स्टूडेंट्स को जो भी प्रॉब्लम थी वो मोबाइल पे बतानी होती थी, और उससे क्या होता था कि हमको डॉक्यूमेंटेशन करने में मदद मिल जाती थी। डॉक्यूमेंटेशन करते 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 समय ये सुसाइड का आया, और हम लोगों ने 22 केसेस को डॉक्यूमेंट किया, ऑल ओवर इंडिया गए, उनके माता पिताओं से मिले, बच्चों से मिले, उनके फैमिली मेम्बर से मिले, उनके दोस्तों से मिले, जानने की कोशिश की कि बच्चे ने ये जो कदम है, अब बताइए 17-18 साल का स्टूडेंट अगर अपनी लाइफ लेने की बात कर रहा है तो ये एक्सट्रीम फॉर्म है, इतना आसान नहीं है, 16-17 साल का बच्चा सुसाइड की बात सोचता है, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा पेन में है, और इसका मतलब ये भी है कि वो एकदम एज पर है, कि एकदम मतलब वो हार चुका है,
लड़ लड़ के वो हार चुका है और तब इतना एक्सट्रीम कदम पे जाता है वो। और तब फिर हम लोगों ने उसकी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, चार डॉक्यूमेंट्रीज बनाई डेथ ऑफ मेरिट के नाम से, आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं। और वो पहली बार हायर एजुकेशन में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर बातें आने लगीं, और उसके बाद से ही ये रोहित वेमुला और इन सब का केसेस और ओपन हो पा रहे हैं। नहीं तो आज से 10 साल पहले अगर मैं ये बोलता कि IIT में भी या मेडिकल कॉलेज में भी जातिवाद है, तो मेरे अपने घर वाले विश्वास नहीं करते थे। उनको लगता था कि नहीं नहीं ये जातिवाद नहीं हो सकता है। तो हायर एजुकेशन में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे कोई बात ही नहीं करता था, सबको लगता था कि नहीं, और सबको ये भी लगता था कि हम लोगों में ही प्रॉब्लम है, हम लोग IIT में पहुंच तो जाते हैं लेकिन हम में मेरिट नहीं होती है। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था मेरिट का और जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का, उसको तोड़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि हम ये सब चीज़ें पब्लिक के सामने लेके आए। तो पिछले 4-5 साल में हम लोगों ने ये किया, और हम लोगों ने IIT दिल्ली के खिलाफ एक सुप्रीम कोर्ट में भी केस डाला था। अब IIT दिल्ली में 2008 में हमारे 22 स्टूडेंट्स जिन्होंने IIT एंट्रेंस एग्ज़ाम्स निकाला था और सब छोटे छोटे शहरों से थे, गांव से थे, उनको फर्स्ट सेमेस्टर में ही निकाल दिया। बीटेक में पहुंचे वो, फर्स्ट सेमेस्टर में एक दो सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाए और उनको निकाल दिया। अब आप सोचिए, कोई बच्चा बिना कोचिंग के, बिना किसी अपनी मेहनत से IIT निकालता है, झारखंड के किसी गांव से है, महाराष्ट्र विदर्भ के किसी गांव से है, हिंदी मीडियम है, मराठी मीडियम है, वो एक साल तैयारी करके, सेल्फ स्टडी करके IIT निकालता है। IIT में या किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में का जो पूरा एनवायरनमेंट होता है वो बहुत एंग्लिसाइज्ड होता है, बहुत वेस्टर्न माहौल होता है, सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम, एकदम पाश्चात्य एक माहौल होता है। अब ये जो बच्चे हमारे गांव से जाते हैं, छोटे शहरों से जाते हैं, उनको समय लगता है उस कल्चर में ढलने का। अब जब मैं अपने गांव से JNU गया था, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, तो मुझे 6 महीने लगे थे समझने में कि ये यूनिवर्सिटी है क्या चीज़, इसका कल्चर क्या है। अब मेरे सामने जब अपर कास्ट या एलीट क्लास के लड़के लड़कियां, जो उनके ड्रेसेस, उनका बात करने का ढंग, सब कुछ मेरे लिए अचंभा था। तो हमारे बच्चों को इतना समय लगता है, लेकिन अगर आप एक फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम लेकर अगर हमारा परफॉर्मेंस थोड़ा भी ख़राब हो तो आप निकाल रहे हैं, ये तो गलत है। क्योंकि आपको कुछ तो समय देना पड़ेगा ताकि ये जो बच्चे हैं ये उस माहौल में ढल सकें। और साथ में चूँकि ये इंग्लिश मीडियम बच्चे नहीं हैं, आपकी सारी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होती है, तो एक ट्रांजिशन का फेज़ देना ज़रूरी है। लेकिन IIT वालों ने बात नहीं सुनी और निकाल दिया। फिर हम लोगों ने हाई कोर्ट में केस किया, हाई कोर्ट में हार गए हम लोग केस, फिर सुप्रीम कोर्ट गए और हम लोगों ने अपनी बात प्रूव की कि ये जो छोटे शहरों से बच्चे आते हैं, जो गरीब बच्चे आते हैं, इनको थोड़ा समय की ज़रूरत होती है। इसलिए नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, इंटेलिजेंस से कोई मतलब नहीं है, ये बहुत हार्डवर्किंग बच्चे हैं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, लेकिन आपके कॉलेज का जो कल्चर है वो उनके लिए नया है। आप पूरा इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, ये बच्चे मराठी मीडियम है, हिंदी मीडियम है, आपको थोड़ा तो उनके लिए कुछ तो एक ट्रांजिटरी फेज रखना होगा। तो लकीली उस समय सुप्रीम कोर्ट में हमारे चीफ जस्टिस साहब बालकृष्णन सर थे, जो कि खुद शेड्यूल कास्ट थे, तो उन्होंने उसकी बात को समझा और उन्होंने आदेश दिया कि IIT को कि आप सारे बच्चों को वापस लीजिए, और वापस उनका एडमिशन हुआ IIT में। तो ये सारे इश्यूज़ को जब हम लोगों ने डॉक्यूमेंट किया, तब बहुत सारी चीज़ें लोगों को समझ में आने लगी कि मेरिट जो है वो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मेरिट नहीं है मेरे अंदर, ये सिस्टम जो है वो उसको ऐसे बनाता है ताकि हमको लगता है कि हम ही काबिल नहीं हैं। तो ये IIT वाला तो एक केस था, लेकिन उसके बाद जब ये सुसाइड्स पर हम लोग काम कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोला कि हम इस पर कोई कदम उठाएंगे, और उस समय मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, और उन्होंने ये बोला था कि हम
ये सुसाइड्स को रोकने के लिए एक कानून लेके आएंगे, लॉ लेके आएंगे, लेकिन नहीं ले लाए वो। उन्होंने ड्राफ्ट निकाला लेकिन लाए नहीं। और जो 22 केसेस हम लोगों ने डॉक्यूमेंट किए थे उसमें से किसी भी केस पे हमको जस्टिस नहीं मिला। गवर्नमेंट ने भी वादा किया कि हम जस्टिस देंगे। हर जिन जिन कॉलेजेस में ये केसेस हुए थे हम लोगों ने सबको लिखा, बहुत प्रेशर डाला मीडिया के थ्रू, लेकिन हमें न्याय नहीं मिला। कई केसेस में तो एकदम क्लियर डिस्क्रिमिनेशन था। स्टूडेंट ने मरने से पहले पूरा क्लियरली बताया है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, फिर भी जस्टिस नहीं मिला। तो काफ़ी निराशा हुई। और हमको एक चीज़ और समझ में आया कि जस्टिस मिलेगा भी नहीं इतनी आसानी से। ये सिस्टम उनका बनाया हुआ है और ये सिस्टम इतना मजबूत है कि इसको हिलाना बहुत मुश्किल है। अब या तो हमें अपना कुछ सिस्टम क्रिएट करना होगा या तो कुछ नया सोचना होगा। तो काफ़ी सोच विचारने के बाद हम में से कई लोगों ने सोचा कि इंडिविजुअल एक एक केसेस लड़ने के बजाय अब हमें जमीन पर काम करना होगा। हमें हमारे बच्चों को इन कॉलेजेस में भेजने से पहले ही तैयार करके भेजना होगा। यानी कि हमारे बच्चे जब जाएं इन कॉलेजेस में तो वो ऑलरेडी तैयार हों, उनको पता हो कि क्या होता है वहाँ पर। और दूसरा, एक सपोर्ट सिस्टम तैयार हो कि हमारे बच्चों को कभी ये ना लगे कि वो अकेले हैं या कोई उनकी मदद करने के लिए नहीं है। तो तब से हम लोग पिछले 3 साल से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हर यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे हों और हर यूनिवर्सिटी में हमारे प्रोफेसर्स हों और हम हर यूनिवर्सिटी में हमारा एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट हो ताकि हमारे कोई भी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मदद उसको मिल सके। और दूसरा, हम लोग ये काम कर रहे हैं कि ये जो एजुकेशन सिस्टम में का जो ये पूरा स्ट्रक्चर है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, इंग्लिश, ये जो पूरा एक माहौल बनाया हुआ है, इसको चैलेंज करें। देखिए, मैं अंग्रेज़ी के खिलाफ नहीं हूँ। अंग्रेज़ी बहुत ज़रूरी है, अंग्रेज़ी सबको आनी चाहिए, एक वर्ल्ड लैंग्वेज है। लेकिन इंग्लिश का जो एक पूरा इंग्लिश को एक हथियार बनाया गया है और वो हथियार बनाकर जो हमारे खिलाफ यूज़ किया जा रहा है उसको चैलेंज करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हम लोगों ने लगातार कोशिश कर रहे हैं, सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की स्टडी करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से आप चेंजेस ला सकते हैं कि एक ऐसा आपका एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो सभी वर्गों के लिए एक्सेसिबल हो, सभी वर्ग के बच्चे पढ़ सकें, तभी आपके एजुकेशन का मतलब है। अगर आपका एजुकेशन का मतलब ये है कि सिर्फ जो उच्च वर्ग के बच्चे हैं उन तक है तो फिर आपके एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। अब दूसरा इशू, मैं एक और बात रखना चाहूँगा कि इंग्लिश के अलावा एक और प्रॉब्लम आ रही है जो धीरे धीरे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है, और वो है हायर एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, सारी यूनिवर्सिटीज से अपना फंडिंग कम कर रही है। जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं गवर्नमेंट अपने आप को विड्रॉ कर रही है और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को बढ़ावा दे रही है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, दिल्ली की अशोका यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। मैंने सुना है कि उसका बीए का कोर्स का फीस 1 साल का 3 लाख रुपए है। अब आप सोचिए कि कौन अपने बच्चों को भेजेगा इन कॉलेजेस में, इन यूनिवर्सिटीज में, जहां की फीस लाखों रुपए में है। अगर गवर्नमेंट हायर एजुकेशन से अपने आप को विड्रॉ कर लेती है, हमारे लिए दरवाजे बंद हैं हायर एजुकेशन में। अब फिर आप देखिए, आप महाराष्ट्र का तो एक प्राइम एग्जाम्पल है, कितने सारे प्राइवेट कॉलेजेस होते जा रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस। दत्ता मेघे जो वर्धा का है, बहुत फेमस है, वो अपनी सीट एमडी की सीट 5-5 करोड़ रुपए में बेचता है। 5 करोड़, आपका जो डॉक्टर बनता है वो करोड़ों रुपए में पढ़ रहा है। अब सोचिए, हमारे पास 5 लाख नए हैं, 5 करोड़ कहाँ से लेके आएंगे। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है हायर एजुकेशन का, ये आने वाले समय में हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। अभी बाबा साहब की वजह से, रिजर्वेशन की वजह से हमारे इंजीनियर डॉक्टर्स बन भी रहे हैं, लेकिन अगर 10-20 साल, 10 साल के अंदर
गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ये बहुत चालाकी से कर रही है, ये अपने आप नहीं हो रहा है, उनको समझ में आ गया है कि अब आप और हम एक बहुत बड़े नंबर्स में बढ़ रहे हैं, तो हमें रोकना है उनको। और रोकने का तरीका क्या है कि गवर्नमेंट एजुकेशन को आप ख़त्म कर दो। अगर गवर्नमेंट एजुकेशन ख़त्म हो गई तो प्राइवेट हो जाएगा सब कुछ, और अगर प्राइवेट हो गया तो हमारे कुछ ही लोग पढ़ पाएंगे। आज भी मैं देखता हूँ हमारे हमारी फैमिलीज़ का ये हाल है, गवर्नमेंट स्कूल में भी फीस देने लायक पैसे नहीं हैं। 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये जिसकी फीस है वो देने लायक पैसे नहीं हैं, और प्राइवेट स्कूल्स का तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसका मैं चाहता हूँ कि मैं ध्यान खींचना चाहता हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान रखें, इस चीज़ का कि आने वाले समय में हायर एजुकेशन जो है वो हमारे हाथ से बाहर निकल रहा है। और आप देखें कि गवर्नमेंट कैसे करता है, गवर्नमेंट पूरी तरीके से विड्रॉ नहीं करता है कभी भी, क्योंकि उसको पता है पूरी तरीके से विड्रॉ करेगा तो आप चिल्लाने लगेंगे, आप अपनी बात रखेंगे, वो क्वालिटी ख़राब कर देता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे फादर की जनरेशन में सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हुआ करते थे, मेरे फादर और उनके पूरा जनरेशन सरकारी स्कूल से पढ़ा है, सरकारी स्कूल से ही इंजीनियर डॉक्टर्स निकलते थे। क्या ऐसा हुआ कि 20, 25, 30 साल में लास्ट में सरकारी स्कूल पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। अब सरकारी स्कूल में ना तो टीचर अच्छे हैं ना कुछ है, ऐसा क्या हो गया कि जब तक 60s 70s तक वही सरकारी स्कूल जो इतने अच्छे से फंक्शन करते थे, 90s और 2000 में आते आते वो सरकारी स्कूल इतने बेकार कैसे हो गए? तब आपको समझ में आएगा कि सरकारी स्कूल तब तक अच्छे थे तब तक उनके बच्चे पढ़ते थे, जहां हम और आप पहुंचे उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में चले गए, प्राइवेट स्कूल्स में चले गए, उन्होंने सरकारी स्कूल्स पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। अब सरकारी स्कूल के पास फंडिंग नहीं है, टीचर का ट्रेनिंग नहीं होता है, सरकारी टीचर से 50,000 काम कराए जाते हैं, पढ़ाने के अलावा वो सारे काम करता है, इलेक्शन भी लड़वाता है, सब कुछ करता है। और आप देखेंगे कि अब सरकारी स्कूल में आप अपने अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसको कुछ भी नहीं समझ में आता, कुछ भी आता जाता नहीं। 10th का बच्चा, 12वीं का बच्चा मराठी मीडियम स्कूल से पढ़ के आता है, उसको एक लाइन मराठी में भी लिखनी नहीं आती है। उसकी गलती नहीं है, क्योंकि टीचर ही नहीं आते हैं। अब सरकारी स्कूल में का इतना बुरा हाल 30 साल में उन्होंने कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि अब उनके बच्चे नहीं पढ़ते वहां पर। आप देखेंगे अपर कास्ट के बच्चे नहीं पढ़ते, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने सरकारी स्कूल पे ध्यान देना। अब हमारे आपके बच्चे जो हैं वो उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, अब ये बच्चे जो आते हैं 10वीं 12वीं करके किसी लायक नहीं होते, कोई भी एग्जाम नहीं दे सकते, वो 10th पास हैं 12th पास हैं लेकिन किसी लायक नहीं है। तो उन्होंने अब 100 साल पहले वो आपको शिक्षा नहीं लेने देते थे, बोलते थे कि तुम स्कूल मत जाओ, अब वो आपको रोक नहीं सकते हैं, अब तो कॉन्स्टिट्यूशन है एजुकेशन देना पड़ेगा, तो ठीक है आओ पढ़ो सरकारी स्कूल में। लेकिन बात वही है 100 साल पहले वाली, कि आज भी आप लायक नहीं हैं कुछ भी करने के, आप एडमिशन हो जाएगा, आपको डिग्री मिल जाएगी, लेकिन आप अनपढ़ ही हैं, अनपढ़ की तरह ही रहेंगे। तो ये एक बहुत सोची समझी रणनीति होती है, ये अपने आप नहीं हो रहा है। कोई भी गवर्नमेंट अगर चाहे तो स्कूल्स बहुत अच्छे कर सकती है, चलते थे स्कूल्स 70s 80s तक स्कूल्स अच्छे चलते थे, लेकिन वो नहीं चाहते कि आपके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले। आपको एजुकेशन देने से तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन आपको क्वालिटी एजुकेशन ना मिले इसके लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और इसीलिए गवर्नमेंट का आप देखेंगे कि एजुकेशन पर फंडिंग पैसा कम होता जा रहा है, सरकार ना के बराबर पैसे खर्च करती है। और अब भेजिए फिर आप प्राइवेट स्कूल्स में कितना पढ़ाएंगे? तो ये मैं आप लोगों से इसलिए बात रखने की कोशिश कर रहा था कि बाबा साहब का जो पहला जो कंसेप्ट था, तीन आप सबको पता है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो। अब शिक्षा का जो बाबा साहब का जो कंसेप्ट था उसमें
सिर्फ शिक्षा का मतलब आपको लिखना पढ़ना नहीं, शिक्षा का मतलब आपका ये था कि आप सोसाइटी के बारे में, कम्युनिटी के बारे में भी जाने। और बाबा साहब ने एजुकेशन को बहुत ज़्यादा जोर दिया है। और मुझे लगता है कि हमारा जब भी हम मूवमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि मूवमेंट का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल होता है, या लगता है कि मूवमेंट का मतलब सिर्फ कल्चरल है बुद्धिज़्म, या कोई बोलेगा नहीं सिर्फ BSP, या कोई बोलेगा नहीं सिर्फ सोशल मूवमेंट बामसेफ। लेकिन मुझे लगता है कि मूवमेंट जो होता है वो एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी है। अगर आप अपने बच्चों को एजुकेशन पर फोकस कर रहे हैं, ये भी मूवमेंट है। बाबा साहब का अगर हम लाइव देखें तो बाबा साहब ने किताबें लिखी, हमारे लिए बहुत सारे अधिकार दिलवाए, लेकिन साथ में वो एक और काम कर रहे थे, वो कॉलेजेस भी खोल रहे थे। उन्होंने बहुत इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, मिलिंद कॉलेज, सिद्धार्थ कॉलेज। आज आप मुझे बताइए कि महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा, महाराष्ट्र में थोड़े बहुत हैं, ऑल ओवर इंडिया देखिए हमारे अपने कितने स्कूल्स हैं, कितने कॉलेजेस हैं, एक भी नहीं है, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। हमने कोई इंस्टीट्यूशन खड़ा ही नहीं किया, हमने सिर्फ पॉलिटिकल, हाँ 5 साल में हाथी को वोट देना है या जो भी सोशल मूवमेंट है, लेकिन कभी भी मिलकर कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूशंस ये बिल्डअप नहीं किए हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी वीकनेस है हमारी, और मुझे लगता है कि हमें इस पर फोकस करना चाहिए। हमें हमारे अपना सिस्टम, जब तक आप अपना सिस्टम, अपने इंस्टीट्यूशंस क्रिएट नहीं करेंगे, आप बाकी लोगों पर प्रेशर भी नहीं डाल पाएंगे। हम हमेशा आश्रित हैं, गवर्नमेंट स्कूल चलाएगी अच्छे तो अच्छे बच्चे पढ़ेंगे हमारे, गवर्नमेंट अगर स्कूल नहीं चलाएगी तो हमारे बच्चे अच्छे नहीं पढ़ेंगे। ये जो चेन है इसको तोड़ना है। हमें हमारे इंस्टीट्यूशंस चाहिए, हमें हमारा सिलेबस चाहिए, हमें हमारा हिस्ट्री चाहिए, और तब आप देखें कि आपके बच्चों में वो कॉन्फिडेंस आता है। जब आप उनको वो माहौल देंगे, जब उनको वो हिस्ट्री देंगे, तो आपके बच्चों को शर्म नहीं आएगी कहते हुए कि हम इस कम्युनिटी से हैं या हम ये हैं। तो ये बहुत लंबी लड़ाई है, ये छोटी लड़ाई नहीं है। हम में से बहुत सारे लोगों को जिंदगी भर काम करेंगे तब शायद कुछ ये एक कदम, 10 कदम ऐसा कुछ आगे चल पाएंगे। तो मेरी आप लोगों से अपेक्षा है कि आप लोग अपने अपने एरियाज़ में देखिए कि एजुकेशन को लेके थोड़ा सा सीरियस होने की ज़रूरत है हमें। फ्यूचर को थोड़ा सा देखिए कि आप जहाँ से आए हैं वहाँ पे क्या स्कूल्स का क्या है, कुछ आप कर सकते हैं क्या, कुछ कॉलेजेस, स्कूल्स, ऐसा कुछ सोचिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप करना चालू करिए, लेकिन सोचना चालू करिए एटलीस्ट। नहीं तो आप ही, हमारी ही कम्युनिटी में कल को एक वर्ग खड़ा हो जाएगा जो आपका कॉलर खींचेगा, आपका गला पकड़ेगा, एक दिन वो बोलेगा तुमने तो बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण ले लिया और आगे बढ़ गए, हमारे लिए क्या किया, हमारे लिए तो तुमने कुछ नहीं किया। और वो कब पकड़ेगा, आज नहीं 10 साल बाद, 15 साल बाद हमारी कम्युनिटी में से ही एक क्लास तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो गैप बढ़ रहा है। एक एजुकेटेड शेड्यूल कास्ट की फैमिली और ज़्यादा एजुकेटेड होती जा रही है, और जो बाकी बच रहे हैं वो गैप बहुत बड़ा हो रहा है। 2 जनरेशन पहले हम एक जैसे थे, लेकिन अभी एक क्लास आ चुका है, और जिसके ही बच्चे आगे चलकर रिजर्वेशन का भी फायदा उठाएंगे, जिसके ही बच्चे आगे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो वो जो पीछे छूट गया है वो एक दिन आपका और हमारा गला पकड़ेगा और वो बोलेगा कि आपने क्या किया हमारे लिए। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा एक जो बाबा साहब का जो रिजर्वेशन को लेकर जो उनकी मूल भावना थी, रिजर्वेशन का मतलब ये था कि पे बैक टू द कम्युनिटी। आप रिजर्वेशन मिला है आपको, आप आगे बढ़े हैं, तब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप करें जो हमारे पीछे छूट गए लोग हैं उनके लिए करें, और न केवल करें बल्कि कुछ ऐसा क्रिएट करें ताकि आगे आने वाले जो हमारा जो फ्यूचर है वो फिर से अपर कास्ट पर डिपेंड ना हो, हमारे अपने इंस्टीट्यूशंस हो, अपने हमारे कॉलेजेस हो, अपनी यूनिवर्सिटीज़ हो,
और मुझे लगता है कि तब हम अपने बच्चों को एक जो एक 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 जो इक्वल जो एक एक होता है ना इक्वालिटी लिबर्टी एक इमेंसिपेटरी जो कल्चर है वो हम दे पाएंगे। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूँ और हम लोग बहुत सारे हमारे साथी हैं जो ऑल ओवर इंडिया इस पर काम कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारा आपका कम्युनिकेशन बना रहे। और इसी के साथ मैं अपनी बात रखता हूँ, आपने बहुत पेशेंटली मेरी बात सुनी बहुत धैर्यता के साथ, इसके लिए मैं आपको थैंक यू धन्यवाद बोलता हूँ। जय भीम।